जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हमने रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके इस टाइप के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे डिस्कस करेंगे, आइए सीखते हैं। देखिए फ्रेंड, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे उसके बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे संख्या पूछे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं कहाँ पे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या है और यहाँ पे, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या करके यहाँ पे 51 लाया है, बस हमें वही पता करना है। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर देखिए इन दोनों को काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 6 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19। अब 19 में अगर आप लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 19 2 38 होता है। अगर आप लोग 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 19 3 57 हो जाएगा, यही तो होता है। तो अब दिखेगा, लेकिन हमें लाना है 51। तो अगर फ्रेंड्स अगर 38 में अगर आप लोग 13 काउंट कर देंगे ये वाली वैल्यू, तो कितना आएगा, तो दिखेगा 8 3 11 1 हो जाएगा, हासिल 1 3 और 1 4 4 1 5, यानी 51 आ गया, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब इन पहले क्या किया हमने, इन दोनों को काउंट किया है, उसके बाद देखिएगा 19 आया है और 19 में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या किया है, यहाँ पे 13 को फिर प्लस कर दिया है, तो आपका 51 आ गया। तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाए हैं क्या यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि अगर जो कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व किए हैं अगर इस उसी कॉन्सेप्ट से ये भी सॉल्व हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, यानी सही हो जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे इन दोनों को काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 7 और 4 11। अब 11 में पहले आप लोग 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो 11 2 22। अब 22 में क्या करना है, जैसे यहाँ पे 13 को प्लस किए हैं वैसे यहाँ पे 7 को प्लस कर देंगे, तो अगर आप लोग 7 को प्लस कर देते हैं तो आपका 29 हो जाता है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे लगाए हैं बस इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा, सबसे पहले इन दोनों को काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 19 और 11 30 हो जाएगा। 30 में 2 का मल्टीप्लाई, फिर आप लोगों को क्या प्लस करना है, 11, तो 30 दूनी 60। 60 में अगर आप लोग 11 प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 71, ठीक है। तो आपके किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो चलिए फ्रेंड अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को ध्यान देना है इसको कैसे सॉल्व करें। तो जो संबंध इन दोनों में होगा वही संबंध हमारा इन दोनों में आना चाहिए। तो अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डी है, उसके बाद ई आया है, तो मतलब क्या किया गया है, मतलब इसमें से डी में से एक कम कर देंगे तो ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ई है, तो बताइए यहाँ पे एफ में अगर आप लोग एक कम कर देंगे तो ई हो जाएगा। यहाँ पे आई है और यहाँ पे एच है, तो आई के पहले क्या आता है, एच आता है, मतलब यहाँ भी आपको एक कम करना है। फिर यम है और यहाँ पे यल है, तो अब देखिएगा यम के पहले क्या आता है, यल, यानी इसमें भी आप लोग एक कम कर देंगे तो आपका यल हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कम किए हैं तो अब यहाँ पे वैल्यू लाना है, तो अब आप लोग क्या कर दीजिएगा, इनमें प्लस कर दीजिएगा, क्या करेंगे, इनमें प्लस करेंगे, एक एक प्लस करेंगे सभी में। तो अब देखिएगा के बाद क्या आता है, के बाद यल आता है, फिर यम में एक प्लस कर देंगे तो आपका यन हो जाएगा। अब पी में एक प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए, पी में एक प्लस कर देंगे तो क्यू हो जाएगा, और टी में एक प्लस कर देंगे तो यू हो जाएगा, ठीक है। यानी यल यन क्यू यू, तो आपके किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन डी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का आएगा क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्या रहता था, ये देकर फिगर आपसे पूछता था, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आपको फिगर दे देगा, उसके बाद इस ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो इस फिगर को संतुलित करेगा, आपको यही बताना रहेगा। तो सबसे पहले देखिए फिगर पे अगर यहाँ पे चलते हैं ऑप्शन में, तो देखिएगा यहाँ पे पानी लिखा है, यहाँ पे नदी लिखा है, यहाँ पे बांध लिखा है। तो अब देखिएगा अगर इसका फिगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा
नदी में क्या होता है, पानी होता है। तो मान लेते हैं ये आपकी नदी है, ठीक है, तो नदी में ये आपका पानी हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स जो ये बांध है वो बांध कहाँ पे बना रहता है, नदी पे भी बना रहता है और समुद्र में भी बना रहता है। तो इसलिए हमारा ये बांध ये ऑप्शन नहीं हो सकता जो ये आपका दिया है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है राज समुद्र जिला, तो अब ये आपका मान लेते हैं जिला है, तो ये जिले किस में होता है, राज में होता है, ठीक है। लेकिन ये जो समुद्र होता है वो राज में भी होता है और पूरे क्या कहते हैं पूरे देश में भी होता है, अलग देश में भी होता है। तो इसलिए ये भी आपका ऑप्शन ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले ऑप्शन में चलते हैं, तो मान लेते हैं पहला दिया है एशिया, तो ये आपका हो जाएगा एशिया, क्या हो जाएगा एशिया। अब देखिएगा एशिया में क्या है, भारत है, ठीक है, ये आपका भारत हो जाएगा। उसके बाद भारत में क्या है, पूरे है, यानी भारत में पूरे है, तो ये पूरे, यानी इस टाइप का फिगर बन रहा है। तो देखिएगा ये फिगर इससे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। तो चलिए फ्रेंड अब ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो वैल्यू जो संबंध इन दोनों में होगा वही हमारा इन दोनों में संबंध आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है, ठीक है। अब अगर इसमें 16 काउंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, तो 5 1 6 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 यानी 272 जो कि यहाँ पे दिया गया है आपका आ गया है। बस इसी कॉन्सेप्ट से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग ऑप्शन ए 1 में जाएंगे तो 19 आया है, तो 19 का पहले स्क्वायर करिए तो 361 होता है, ठीक है। अब क्या करिएगा 361 में अगर आप लोग फिर 19 काउंट कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 380। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।